नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा देवेश अग्रवाल के स्वागत कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यालय पर किया गया है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। आगरा ताज नगरी में देवेश अग्रवाल अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए राजनीति में दौड़ लगाते चले आ रहे हैं। कोरोना काल में भी मजदूर और असहाय लोग को संगठन के साथ चलकर समाज के लिए काफी सेवाएं दी गई हैं। देवेश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा समर्थक मंच भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहा है, क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसमें भाजपा समर्थन मंच भाजपा प्रत्याशी को जिताने का कार्य करेगा और कोशिश करेगा कि अबकी बार यूपी में 400 के आसपास की सीटें भाजपा में आए। यही आस लेकर संगठन दिन रात मेहनत कर रहा है और संगठन के सभी साथी बढ़ चढ़कर संगठन से जुड़े हैं। और आज ही संगठन से करीब 50 लोग जुड़े हैं जिन्होंने भाजपा समर्थक मंच की सदस्यता ली है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे जितेंद्र सिंह चौहान, राष्ट्रीय सचिव सचिन ग्रोवर, सुनील यादव, पवन माहौर, दीपक सिवहरे, रंजीत सिंह, कुलदीप कर्दम, भोला कर्दम, राहुल पमनानी, प्रदीप कुशवाहा, कपिल देव, नागौर दिनेश गोयल, आशीष सिकरवार, सूरज लोकेश, माहौर गगन कुमार, आकाश शर्मा, रजत कुलश्रेष्ठ, जितेंद्र कैन, जीतू पंडित, नागेश कुमार, गब्बर सिंह, लखन पीपल, पवन गोला, राहुल शर्मा, अनूप शर्मा, पार्षद प्रवीण जैन मंडल, अध्यक्ष राहुल वैद मंडल, महामंत्री अर्जुन कोहली, अंकित जैन, प्रेम सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरेश अग्रवाल, नवनियुक्त भाजपा समर्थन युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज क्या प्रोग्राम रहा, क्या समारोह रहा है? आज मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने, मेरे भाई बंधुओं ने मेरा स्वागत कार्यक्रम रखा है, जिसमें कि माननीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी को आना था, लेकिन उनके सुपुत्र की शादी के चक्कर में उनका कैंसिल हो गया है। और सभी मेरे साथियों ने बहुत जोर शोर से मेरा ये कार्यक्रम किया है, जिसमें इन्होंने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है और साथ में मुझसे ये भी कहा है कि 2022 के चुनाव आने वाले हैं, इसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत से 2022 में सरकार बनानी है और जन जन तक माननीय मोदी जी की या माननीय योगी जी की नीतियों को फैलाना है। मैं नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आया हूँ, तो मेरे सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल है, इसलिए मेरा स्वागत किया गया। आगे की कार्यकारिणी क्या रहेगी भाजपा समर्थन मंच की? आगे की कार्यकारिणी यही रही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो मजलूम है, जितने भी लोग परेशान रहते हैं उनके लिए काम करेंगे और भाजपा के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। पूर्व बहुमत से सरकार बनाएंगे 2022 में और साइकिल वाले या बसपा या जो भी सोच रहे हैं उनकी सरकार आएगी तो ऐसा भूल जाएं, क्योंकि 2022 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और पहले से ज़्यादा 400 प्लस से सरकार बनेगी, ये हम कामना करते हैं ऐसी। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान है, मैं राष्ट्रीय सचिव भाजपा समर्थक मंच से हूँ। क्या प्रोग्राम रहा है आज का? क्या आज का जो कार्यक्रम है, हमारे मेरे छोटे भाई देवेश अग्रवाल जी जो युवा मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए हैं, उनके एक स्वागत समारोह के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। आगे की क्या करनी रहेगी भाजपा समर्थक मंच के कार्यकर्ताओं की और अधिकारियों? देखिए, भाजपा समर्थक मंच उसी बेस पर काम करेगा जो भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई आई है, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी के नारा है, उसको साथ लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल और रणनीति के अनुसार काम करेंगे। और 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें हम लोगों ने जो पहले पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, इस बार भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और जनता की समस्या हेतु, जनता की समझ जो भी कार्य होंगे, हम सब मिलकर करेंगे। देवेश अग्रवाल जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके उपलक्ष्य में आपका क्या कहेगा? मैं बहुत, आज बड़ा खुशी का माहौल है कि देवेश अग्रवाल जी मेरे छोटे भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गए, मैं बहुत खुश हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो उससे मतलब नहीं, लेकिन जो मेहनत करता है, मेहनत के आधार पर ही हमारी भारतीय जनता पार्टी हो या भाजपा समर्थक मंच हो, वो सिर्फ ये देखता है कि कौन कितना आगे जाएगा और कितनी मेहनत करने वाला है। जो मेहनत करता है वही रंग लाता है। जय देवेश अग्रवाल जी ने इतनी मेहनत करी, आज उन्होंने उसका परिणाम उनको मिल गया। मैं प्रवीण जैन, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रावली मंडल उपाध्यक्ष। आज के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में क्या शब्द हैं आपके, क्या कहना चाहोगे देवेश अग्रवाल जी के बारे में? आज ये समारोह मेरे छोटे भाई देवेश अग्रवाल को भाजपा समर्थक मंच का, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में यहाँ रखा गया है। सभी कार्यकर्तागण काफ़ी उत्साहित हैं और आने वाले चुनावों में 2022 के चुनाव में इनकी टीम बहुत मजबूत है और ये टीम पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। हम 300 प्लस पहले भी थे, 300 प्लस अब भी होंगे। जो अपनी मानसिकता बनाए बैठे हैं सपा और भाजपा के गुंडे, वो अपने घर बैठेंगे, हम किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।